मॉर्निंग एवरीवन। हमें इस वक्त समरी लेक पे कैंपिंग कर रखी है हमने, और थोड़ा लेट ही उठे थे क्योंकि रात को लेट हो गए खाना बनाते खाते हुए। और ये हमारा कैंप है और वो बाइकें खड़ी है हमारी पीछे। चाय पी रहा हूँ, अभी चाय बनाई थी। बस इसके बाद सामान कुछ खाना बना के खाएंगे, फिर सामान पैक करेंगे और निकलेंगे यहाँ से वापस। और रात का सेटअप हमारा कुछ ऐसा था, उस साइड से हवा बहुत आ रही थी सामने से, तो हमने ऐसे बाइकें लगा दी अपनी तीनों, क्योंकि विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा था और टेंट हिल रहा था बुरी तरीके से, तो ऐसे हमने लगा के पूरी हवा को रोक दिया। और ये अब टेंट में चलते हैं और सामान पैक करते हैं और फिर निकलते हैं थोड़ी देर में यहाँ से। वाह, यहाँ पे बहुत एंजॉय किया इस लेक पे। तो बाइकें फंस गई हैं यहाँ पे, बाइकें निकाले। चल भाई, वही यहाँ से बाइक निकालना बहुत ही मुश्किल है। ये सोमरेरी लेक थी, सामने व्यू देखो यार फ्रेंड्स। ओहो, गए गए गए, गिरे गिरे गिरे। ये तकरीबन ऑफ रोड है जहाँ पे मैं चला रहा हूँ। ये वही जगह आ गई जहाँ से हमने टर्न लिया था इस साइड, अब हम लेंगे इस साइड टर्न। मैं मनाली ली हाईवे पे, ये रास्ता जाता है मनाली ली हाईवे, जो कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है कि कहाँ से टर्न लेना है। और जो भाई नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे कर लें। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है gagan.garhiwal.89। भाई भाई रह गए थे पीछे, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ। देखो कितना बंजर भी अबान है। आगे भाई सामने, तो ये कुछ अलग ही जगह है, ये कुछ पता नहीं क्या कहते हैं इसको, तो पास होगा शायद। और व्यू तो और कुछ अलग ही है, और मौसम टेम्परेचर चेंज है ऑलमोस्ट, ठंड लग रही है, बादल हो रखे हैं फ्रेंड्स। वो सामने व्यू देखे, और मुझे लग रहा है वहाँ पे सोकर लेक है। सोमरेरी तो हमने देख ली, और इस वाले रास्ते से अगर आप मनाली है ले हाईवे जाते हो तो आपको रास्ते मिलेगी सोकर लेक। तो सोकर लेक देख के आप दोबारा वहाँ से राइट टर्न लेके अगर आप जाना चाहते हो तो आप ले जा सकते हो, नहीं तो आप मनाली निकल सकते हो आराम से। गाइस, लेक की दो साइड्स हैं, एक तो आपने बहुत अच्छी रोड देखी होगी खारदुंगला डिस्ट्रिक्ट इंदर साइड, ठीक है, और एक साइड ये पड़ती है अगर आप फांडे सुमरेली या कारसो लेक कवरअप करते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ डर्ट ट्रेल मिलेगी, कम्प्लीटली ऑफ रोड, हल्की फुल्की सड़क मिलेगी सिर्फ आपको, ओनली 10-15%, दैट्स इट, मैक्सिमम 20-80% ऑफ रोड है यहाँ पे। तो यहाँ का जो व्यू है वहाँ से बिल्कुल ही अलग है, आपका नेटवर्क नहीं कुछ, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ भी खाने में मिल जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, हल्का फुल्का यहाँ पे नियर अबाउट चाइनीज इतने पर तुम खाना मिलेगा। तो अगर आपको चाइनीज़ खाना पसंद है तो इसी साइड वैसा ही खाना मिलता है इनका, लोकल फूड्स, चाउमीन, हल्का फुल्का चाउमीन भी नहीं, नूडल्स एंड ऑल, मैगी, ऐसा कुछ मिलता है, ज़्यादा नहीं। तो व्यू अल्टीमेट है यहाँ के, इस साइड भी ज़रूर विज़िट करना अगर ऑफ रोड झेल सको तो। गाइस, जो आप सामने देख रहे हो ये है सोकर लेक, ये पूरी सोकर लेक है, यहाँ से हम होके गुजरेंगे अब मनाली ले हाईवे, तो यहीं से वो रास्ता कटता है, कट तो पीछे से भी जाता है पर गुजरता है यहाँ से, सॉरी। तो आप वहाँ से मनाली निकल जाओ चाहे ले निकल जाओ, तो हमारा सर्किट कुछ अलग था, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। और व्यू देखिए सामने, और वेदर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे, हद से ज़्यादा ठंडा है, ठंड लग रही है गर्मियों के मौसम में ठंड। और मैं बचा गिरते गिरते अभी मिट्टी थी काफ़ी वहाँ पे, एक भाई की बाइक फंस गई थी वहाँ रेत में, वहाँ से निकाली है भाई, अभी खड़े हैं वहाँ पे। और ये सोकर लेक है, और ये अपनी बाइक खड़ी है भाई यहाँ पे। गाइस,
ये है सोकर लेक। और हम रुक नहीं रहे यहाँ पे क्योंकि हमें मनाली ले हाईवे पहुँचना है, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब हो चुका है और यहाँ पे रुकने का कोई इंतज़ाम भी नहीं है सोकर लेक पे। आपके सामने देखो बंजर भी आबान है, दूर दूर तक कोई नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो गई समझ लो लग गई तो फटाफट निकल लो यहाँ से, क्योंकि टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन हो गया। और सामने देखो माउंटेंस पे जो क्लाउड्स हैं तो ऐसे लग रहा है बारिश हो रही है, और एक्चुअल में हो रही है वहाँ पे, क्योंकि जब ऐसा शेडोज़ आती है ना तो इसका मतलब वहाँ पे रेनिंग हो रही है। तो उससे बेटर है कि वो यहाँ तक पहुँचे उससे पहले आप निकल लो। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से, भाई भी आप पीछे ब्लॉक कर रहे थे करके वो भी आ रहे हैं। तो कोशिश ये है यहाँ यहीं से जब आगे हाईवे पहुँचेंगे टाइम से रुक जाएंगे, क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं। इस जो ट्रेन ने जो ऑफ रोड था इसने हमें कम्प्लीटली थका दिया है सच बताऊँ तो, और बुरी तरीके से हम थक चुके हैं। और सोकर लेक बहुत ही प्यारी है, इसी यार इसी व्यू के कारण ना हमें इतनी थकावट महसूस नहीं हो रही। क्योंकि देखो अगर ऐसे व्यू हो तो बंदे को ये महसूस होगा, ये सड़क महसूस होगी, अगर उस कुछ टाइम के लिए उसको महसूस होगा कि यार कैसी ऑफ रोड है, पर जब ये व्यू सामने आएंगे तो ऑटोमेटिकली यार ये वो ये सब भूल जाएगा। अब व्यू देखो यार सामने क्या व्यू है, ये है सोकर लेक, और काफी बड़ी लेक है यार ये। फ्रेंड सामने एक विलेज दिख रही है सोकर लेक के पास, तो कुछ खाते हैं वहाँ पे, क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लगी है, मैंने पीछे भी कुछ खाया नहीं था क्योंकि मैं लेट हो गया था, और वहाँ से फटाफट दो चम्मच खा के निकल गया खाना। तो भूख लगी है और ठंड लग रही है क्योंकि पेट खाली है, और उसी वजह से एम एस होने के भी चांसेस होते हैं अगर आप भूखे हो तो। पानी भी कम पिया है नियर अबाउट, मतलब दो ढाई घंटे से मैंने पानी भी नहीं पिया, तो वहाँ पर रुकते हैं और पानी वगैरह पीते हैं, बहुत ज़रूरी है यार। और इस सामने विलेज वहाँ चलते हैं फटाफट। सो गाइज हम अभी सोकर में ही रुक रहे हैं क्योंकि शाम के 6:30-7:30 का टाइम हो गया, तो आज रात यहीं रुकेंगे। तो ये हमने टेंट ले लिए हैं, ये टेंट ले लिया बाइक के हमने यहाँ खड़ी कर दी, एक बाइक उधर कर दी है। तो आज रात यहीं सोकर लेक के सामने ही कैंप एरिया में ही रुक रहे हैं क्योंकि ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। क्यों भाई, तो सुबह निकलेंगे यहाँ से, आज रात यहीं स्टे करेंगे क्योंकि रात को चलाने का मतलब नहीं बनता, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, ठंडा एरिया है, तो पागलपंती होगी अगर हम बाइक खींचे डेबरिंग तक, क्योंकि तो बेटर है यहीं रुक जाएं। कोई बात नहीं सुबह आराम से निकल जाएंगे, क्यों एंजॉय करने आए, बीमार थोड़ी ना होने आए। और ये हमारा टेंट है अंदर से, और वो बहुत ही चीप प्राइस में हमें मिल गया है, तो यहाँ पर आराम से सोते हैं और फिर आपसे बात करते हैं।